नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सोक चौधरी। साथियों, आज मलेशिया से रिलेटेड नया अपडेट मेरे पास आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसमें दो अपडेट रहेंगे, एक लोगों के लिए अच्छा रहेगा, एक उनके लिए एक गुड न्यूज रहेगी, एक बैड न्यूज रहेगी। जी हाँ साथियों, अब गुड न्यूज और बैड न्यूज में दोनों आपको दोनों साथ बताऊंगा, क्योंकि जो इंडिया आने वाले हैं उनके लिए दिक्कत है, स्पेशल पास आउट पास चालू नहीं हुए हैं, ठीक है। और जो वहाँ जो इलीगल वर्कर हैं, जो वहाँ रह के काम करना चाहते हैं, वो वीजा लगवाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट न्यूज है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो साथियों, मलेशिया इमिग्रेशन से रिलेटेड मैंने ये टॉपिक रखा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए है कि 7 अप्रैल से मलेशिया इमिग्रेशन में रिहायरिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। रिहायरिंग का मतलब ये होता है जो इलीगल वर्कर हैं, इलीगल वर्कर हैं उनके लिए वहां पे लीगल करने का ऑप्शन किया जाएगा 7 अप्रैल से स्टार्ट। जी हाँ साथियों, ठीक है। अब इसमें आप चाहे 1 साल से इलीगल हो या 2 साल से हो, 6 महीने से, 3 महीने से या 15 दिन, 20 दिन, कितने टाइम से आप इलीगल हो, आपका वहां पे अगर वीजा नहीं लगा है तो 7 अप्रैल से ही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करके, जहां कहीं की आपका कोई जानकार है, एजेंट है, उनके द्वारा आप ये कोशिश करके आप लीगल हो सकते हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या है आगे आने वाले समय में मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। तो साथियों, सिर्फ इलीगल वर्करों के लिए सिस्टम रखा गया है, इसमें 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप कोई भी वीजा वहां पे जो सिस्टम गवर्नमेंट 7 तारीख के बाद में निकालेगी, तो वो वीजा आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। पैसा तो आपका लगेगा उसमें, नो डाउट, ठीक है साथियों। दूसरी बात साथियों, आउट पास स्पेशल पास में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। जी हाँ, स्पेशल पास तो नॉर्मली में 15-20 दिन महीने भर के अंदर है, उनका तो चलो लोग लगवा ही रहे हैं, बाकी आपको पता ही आउट पास तो बिल्कुल ही बंद है, 7-8-9 महीने हो गए बंद है बिल्कुल भी। जो लोग काफी टाइम से इस आस में बैठे हैं कि अपन 400-500 रुपए दे के इंडिया चले जाएंगे, उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी है, क्योंकि लोगों की कहां दिसंबर के बाद में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल लास्ट एंड लोगों की सोच ये थी कि अप्रैल में तो गवर्नमेंट कुछ करेगी, लेकिन साथियों अभी तक न्यूज ये आई है, हो सकता है 30 तारीख या 1 तारीख को कोई नई अपडेट दे दे, लेकिन अभी तक अपडेट ये है कि आउट पास स्पेशल पास पे कोई अपडेट नहीं है, जो चल रहा है उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। हाँ, जो इलीगल वर्कर है उनके लिए रिहायरिंग के ऑप्शन के दौरान उनको लीगल करने का गवर्नमेंट प्रोसेस करेगी, ठीक है साथियों। तो ये दोनों न्यूज आप लोगों के लिए है। अब तीसरी न्यूज मैं आपको ये बता दूं साथियों कि अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे, आप 6 महीने के ऊपर इलीगल वर्कर हैं जो इंडिया आना चाहते हैं, अगर आप स्पेशल पास से आते हैं तो आपको पता है 6 महीने का जुर्माना 2100 रिंगट है, सबको पता है 2100, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने कुछ लिखा भी था शायद, में लिखा नहीं है, 2100 आपका रिंगट वो कर लीजिए, 150 रुपये आपका फॉर्म का लगता है, कितना हो गया 2250, फिर आप टैक्सी में 2-3 बार चक्कर लगाते हो तो 2500 रिंगट हो जाता है, फिर आपकी टिकट लगती है 300-400 की टिकट आ जाती होगी, फिर आपका एजेंट भी अगर आपका होता है तो पैसा लेता है, बिना पैसा तो भैया कोई नहीं करता, समझ रहे हो बात को। तो ये मान के चलिए कि 3000 रिंगट से आपका ऊपर खर्चा पड़ना है, तब आप ब्लैकलिस्ट होके इंडिया पहुंचोगे, ठीक है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको ये देने की कोशिश करूंगा, आपका अगर आपको जचे तो ये करना, भाई मेरी तरफ से कोई सजेशन है सिर्फ आपको, जरूरी नहीं है कि भी नीचे बैड कमेंट करने लग जाओ। अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप मान लो 3000 रिंगिट इंडिया खर्च करके इंडिया आते हो ब्लैकलिस्ट होके, इससे तो बेस्ट है नहीं, 5500 रिंगिट में आप A2B को वीजा ले लो ना वहां पे, समझ रहे हो, A2B वीजा अगर आप 5500 रिंगिट में ले लेते हो, ठीक है, तो आपका 3000 तो वैसे इंडिया में लग गया, कितना बचा भाई बाद में, 2500 रिंगिट बचा। तो यार आप 1-2 महीने काम करके, 2-3 महीने काम करके, आप बाकायदे लीगल तरीके से इंडिया आके 2-4 महीने की छुट्टी काट के, अगर आपको वहां सेट हो जाता है कि आप वीजा लगने के बाद अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी 2-3000 रिंगिट आपको दे रही है, 1500 रिंगिट भी अगर आपको बच रहा है महीने का 25000, तो ये पैसा आपका वसूल होने के बाद अगर आप इंडिया आते हो, छुट्टी काट के वापस जाते हो, तो कैसा रहेगा, समझ रहे हो बात को। मेरा सजेशन है सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो, हालांकि मेरे पास 2-3 दिन हो गए इस न्यूज को आए, लेकिन मैंने अभी डाला नहीं, आज मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग इंडिया आना चाहते हैं, मेरे सजेशन ये कि 6 महीने से ऊपर वाले हैं उनका 3000 रिंगिट खर्चा होगा, तो 5500 रुपए देके आप A2B वीजा लगवा के 3-4 महीने में ये पैसा भी वसूल करके 5500 रिंगिट फिर इंडिया आओ, ताकि आपका आपका पैसा भी वसूल हो जाएगा, इंडिया आने के बाद 2-3 महीने बाद इसी वीजा में आप वापस जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से सजेशन था, इसके लिए मैं नंबर पहले भी आपको दे रखे हैं, वो नंबर आपसे दोबारा से डाल दूंगा। अगर आपको 7 बार, कितनी, 5 और 2, 7 बार जचे, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हो, नंबर मैं दे दूंगा, उनसे आप बात कर लीजिए। और खास तौर से मैं बता दूं साथियों, उनके पास स्पेशल पास आउट पास के लिए बिल्कुल कॉल ना करें, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया भैया चालू नहीं है, तो उनको बार बार परेशान, उन्होंने साफ बोला कि भाई अगर नंबर देते हो मेरे
तो ये बात बिल्कुल उनको बोल देना कि स्पेशल पास आउट पास से रिलेटेड उनके पास कॉल नहीं जाना चाहिए आपका, अगर जाएगा तो वो आपको इंक्वायरी नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ए टू बी वीजा लगवाना है, अगर इसमें इससे सस्ता कोई लगवाए, मैं सजेशन और दे दूं, इससे सस्ता आपको कोई लगवाता है तो आप पहले उनसे लगवाएं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो लोगों के कमेंट आते हैं वो 7,000 रिंगिट से नीचे किसी का कमेंट नहीं आता, सर अजेंट 7,000 रिंगिट मांग रहा है भैया, मैंने तो 5,500 रिंगिट आपको बताया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस पे आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो और अगर कोई जानकारी आपको लेनी हो तो उस नंबर पे कॉल कर लें, सिर्फ और सिर्फ वीजा से रिलेटेड, अगर आपको ए टू बी वीजा लगवाना है इससे रिलेटेड बात करनी है, स्पेशल पास आउट पास से रिलेटेड इनको आप कॉल ना करें। जय हिंद।